स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश कुमार भारती 4.3 वर्ल्ड हेरिटेज. अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ साइट डिटरमाइंड बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल इम्पोर्टेंस टू ह्यूमनिटी. वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि वो जगह जिसको पूरी दुनिया देखने के लिए जाती है. तो क्यों जाती है? क्योंकि उसको डिटरमाइंड किया जाता है, उसको एक को पोजीशन मिलती है जो उसको यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को जो है कि वो जो साइट जो है, जगह जो है, उसको उसका सिग्निफिकेंस कल्चरली या फिर नेचुरली रहता है और जो ह्यूमनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है. As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. ये जो साइट रहती हैं, इसका प्रोटेक्शन और उसका मेंटेनेंस करना इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम तो वो उसको उसकी देखभाल करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है. तो इसके अंदर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है वो उसकी तरफ ध्यान देती है. Because world heritage sites are places that are significant culturally and naturally, they vary in type but include forests, lakes, monuments, buildings and cities. World heritage site ये ऐसी places है जिसका culturally और naturally importance है. Naturally means जो naturally उसके जो physical जो characteristics जो रहते हैं उस हिसाब से, और culturally means man-made कि कोई monuments है, कोई buildings जो है जो बाय ह्यूमन बीइंग क्रिएट किए गए हैं, तो ऐसी प्लेसेस. तो इन प्लेसेस का सिग्निफिकेंस जब रहता है, अभी उसमें इन साइट्स में फॉरेस्ट, लेक्स, मॉन्यूमेंट्स, कोई बिल्डिंग या फिर कोई शहर जिसको काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है, ऐसी सारी जगह, ऐसे सारे प्लेसेस इस साइट्स के अंदर आते हैं. हम हेरिटेज हेरिटेज बोल रहे हैं जब से, तो ये हेरिटेज क्या होता है? हेरिटेज यानी कि वो प्लेस होती है जिसको कोई हिस्टोरिकल प्लेस या फिर नेचुरल प्लेस या फिर कल्चरल इम्पोर्टेंस वाली प्लेस जिसका इम्पोर्टेंस है, उसको पूरी दुनिया ने जो है उसकी कोई काफ़ी देखने लायक और काफ़ी उसकी वैल्यू है, ऐसी जगह को हेरिटेज कहते हैं. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज. वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कल्चरली या नेचुरली तो रहती है, लेकिन कोई साइट्स ऐसे है जो दोनों का भी कॉम्बिनेशन होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माउंट ह्यूंगशान इन चाइना इज़ अ साइट विथ सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन कल्चर बिकॉज इट प्लेड अ रोल इन हिस्टोरिकल चाइनीज आर्ट एंड लिटरेचर. जैसे कि यह जो एग्जाम्पल दिया है, जैसे चाइना में माउंट ह्यूंगशान है, तो ये ऐसी जगह है जिसका चाइनीज़ लोगों के लिए आर्ट और लिटरेचर में इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकली बोले इसका इम्पोर्टेंस है. ह्यूंगशान का जो लिटरल मीनिंग है वो है येलो माउंटेन होता है. द माउंटेन इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक्स. माउंटेन का इम्पोर्टेंस ये भी है कि फिजिकली जो लैंडस्केप जो है वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके लिए प्रॉपर है, तो इस हिसाब से ये माउंट ह्यूंगशान नेचुरली और कल्चरली दोनों का कॉम्बिनेशन है. हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये हेरिटेज साइट की हिस्ट्री अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट की आइडिया किसने कहाँ से ये शुरुआत की थी. ऑल्दो द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड बिगैन इन द अर्ली 20th सेंचुरी, मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन वॉज नॉट अंटिल द 1950s. 19th सेंचुरी के शुरुआत में ही ऐसे सभी को, 20th सेंचुरी के शुरू में ऐसे लगा कि ये जो प्लेसेस है जिनका कल्चरल और नेचुरल इम्पोर्टेंस है या फिर ये साइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसकी स्पीड या फिर ये रियलिटी में जो काम शुरू हो गया वो 1950 में शुरू हुआ था. इन 1954 इजिप्ट स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड द एस्वान हाई डैम टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर. 1954 में इजिप्ट में नाइल रिवर जो कि गिफ्ट है इजिप्ट के लिए, तो नाइल नदी पर वहाँ पे अस्वान हाई डैम बनाने के सोच रहे थे. द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन
would have flooded the valley containing the Abu Simbel temples and scores of ancient Egyptian artifacts. तो जहाँ पे ये जब डैम का कंस्ट्रक्शन आ गया तो उसके बीच रास्ते में जहाँ पे वो पूरा डैम बनवाने वाले थे तो वहाँ वैली में एक अबू सिंबल का टेम्पल जो इजिप्ट के लोग जिसको काफ़ी मानते जो 13th century के किंग जो थे रामसेस सेकंड तो उनका टेम्पल वहाँ पे एक रॉक कट केव्स है और जहाँ पे दो टेम्पल्स है एक उनका है और एक उनकी वाइफ नेफरतरी का वहाँ पे टेम्पल है। तो ये टेम्पल जिसको इजिप्शियन लोग काफ़ी मानते थे और उसके साथ में वहाँ इजिप्शियन लोगों ने बनाए काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स थे। तो ये डैम अगर बनाते तो ये टेम्पल और जो है कि वो आर्टिफैक्ट्स भी उसमें बह जाते। To protect the temple and artifacts, UNESCO launched an international campaign. तो ये जो है कि इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टेम्पल को और आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को ने एक इंटरनेशनल कैंपेन चलाया था, एक मूवमेंट चलाई थी ताकि ये टेम्पल जो है जो इतना एंशियंट टेम्पल जो था उसको कोई डैमेज ना हो या फिर वो उसका वैसे ही एग्जिस्टेंस बना रहे। इन 1959 दैट कॉल्ड फॉर द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल टू हायर ग्राउंड। तो ये जो मूवमेंट जो चलाई गई थी उसको डिसमेंटलिंग यानी कि जो डैम बनवाने वाले थे तो नहीं बनवाना है तो जो कंस्ट्रक्ट करने वाले तो उसका अपोजिट जो है डिसमेंटलिंग वहाँ पर नाम रखा गया और जो टेम्पल जो है उसको बचाने की कोशिश की गई। द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑन एस्टिमेटेड $40 million ऑफ विच केम फ्रॉम 50 different countries। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट जो बनने वाला था असवान डैम का तो उसके लिए पूरे टोटली $80 million यूज़ होने वाले थे और उसमें से $40 million जो है दुनिया के अलग अलग देशों के 50 countries उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे। बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। उसके बाद में इस प्रोजेक्ट को सक्सेस मिल गया और यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स पे काम करने वाले जो थे इन दोनों ने मिलके एक ड्राफ्ट जो है एक अग्रीमेंट जो है वो तैयार किया और जिसके हिसाब से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे साइट को ऐसे कल्चरल या फिर जो नेचुरल साइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करेंगे ये वहाँ पर अग्रीमेंट किया गया। Shortly thereafter in 1965 a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic cultural sites but to also protect the world's significant natural and scenic sites. उसके कुछ पीरियड के बाद में यानी कि 1965 में एक व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस जो यूनाइटेड स्टेट्स में ही ऑर्गेनाइज किया गया था जिसको हम वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट भी कहकर बुला सकते हैं। तो इनका काम था कि हिस्टोरिकल कल्चरल जो साइट जो है उसको तो प्रोटेक्ट करना ही है लेकिन उसके साथ साथ दुनिया के ऐसी नेचुरल और सीनिक साइट जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना ये इन लोगों का मेन एम था। फाइनली इन 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप्ड सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड देम एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट इन स्टॉकहोम स्वीडन इन 1972। लास्ट में 1968 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन्होंने जो अपने गोल्स थे कि उनको एग्जैक्टली क्या करना है ये उन्होंने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में रखा। कब रखा? 1972 में स्वीडन में स्टॉकहोम जहाँ ह्यूमन एनवायरमेंट पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उनके आगे ये भी एक प्रपोजल रखा गया। फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस गोल्स द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज वॉज अडॉप्टेड बाई यूनेस्कोज जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन November 16, 1972। तो ये जो इन लोगों ने यानी कि इन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट ने जब उनके गोल जब इस कॉन्फ्रेंस में आगे रखे तो नेचुरली उनको पसंद आ गया। उन्होंने सीधे सीधे वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज को अडॉप्ट कर लिया जो यूनेस्को के जनरल
असेंबली जो रहती है उसमें उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया 16 नवंबर 1972 को। और फिर वहीं से रियलिटी में यूनेस्को का ये जो काम जो है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो काम जो है वो शुरू हो गया, द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। टुडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज़ द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग विच साइट्स विल बी लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये यूनेस्को के अंदर जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आते हैं तो उन साइट की लिस्ट तैयार करनी है। द कमिटी मीट्स वंस अ ईयर एंड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज दैट आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर टर्म्स बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंबली। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में जो 21 स्टेट पार्टीज़ अलग अलग कंट्रीज़ के जो मेंबर्स है, तो उसमें से 6 ईयर के लिए ये 21 मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाते हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंबली में रहते हैं। द स्टेट पार्टीज़ आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स विद इन देयर टेरिटरी टू बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। स्टेट पार्टीज़ ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो कोई साइट है, कोई नई साइट अगर उनके आगे उसका प्रपोजल आता है तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसके बाद में नॉमिनेट करना, और जब वो टोटली जब उसके उनके जो क्राइटेरिया जो है अगर वो फुलफिल करती है तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करना, ये पूरा काम इन स्टेट पार्टी का रहता है।